आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आई एम सॉरी, एक्चुअली HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलीनोमियल्स आर x plus y एंड दिस, है ना। ये पूरा टर्म हमारा LCM है रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द पॉलीनोमियल इज दिस राइट, देन द अदर पॉलीनोमियल इज व्हाट। और ये हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन देख के बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली में है नहीं राइट। एक्चुअली में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। सॉरी, एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन को मैं इजी क्यों कह रहा हूँ। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू, जो दो पॉलीनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट के बराबर आता है। इन दोनों पॉलीनोमियल्स का जो HCF होगा और इन्हीं दोनों का जो LCM होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा राइट। तो एक का HCF हमें पता है x plus y, एक जो हमें पॉलीनोमियल निकालना है, सपोज उसको P1 मान लेते हैं, P2 हमारा गिवन है x2 - y2 राइट। तो x plus y हमारा HCF हो गया और LCM क्या है, 3x⁵5 + 2x³y² - 3x²y³ - 5xy⁴ - 2y⁵ equals to x plus y x minus y। ये देखिए, मैंने x² - y² को x plus y x minus y लिख दिया। ये तो आपको पता होगा, x² - y² = x + y x - y राइट। तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय हमारा एक्चुअल पॉलीनोमियल जो हमें निकालना है राइट। तो अब देखिए, x + y कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एक्चुअल पॉलीनोमियल है वो आ जाएगा डिवीजन में। बड़ा सब देखिए, मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ x - y। देखिए, x - y मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो 1/x - y यानी डिवाइड करेगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x⁴5 + 5x⁴y + 2x³y² - 3x²y³ - 5x⁴ - 2y⁵। ओके, ओके। तो अब देखिए, मैं इसको डिवाइड जब आप करेंगे, जैसे यहां आपने लिख दिया 3x⁴ राइट, यहां आपने लिख दिया 3x⁴, तो यहां पे क्या आएगा, 3x⁵ - देखिए y से भी होगा ना, 3x⁴y है ना। तो अब इसको माइनस करिए आप, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर लाइन। ओके, इसको माइनस करिए, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ कितना बच जाएगा, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2x⁴y। तो अब इसमें हम क्या ऐड करें, देखिए x को हमें ये बनाना है अब, ताकि माइनस कर सकें राइट, यही तो करते हैं। तो x⁴ - 2x⁴y कैसे बनाएंगे, x को इसमें ऐड कर दीजिए 2x³y। अब देखिए, x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x⁴y है ना। और इस टर्म को नीचे लेके आ रहा हूँ मैं, +2x³y² अब जब y से मल्टीप्लाई होगा होगा तो ये माइनस होके बन जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, इग्नोर करिएगा उसको, मैं मोस्ट प्रॉब्ली एडिट कर दूंगा इसको। ओके, जब हम इसे माइनस कर रहे हैं है ना, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा कैंसल हो जाएगा राइट, ये प्लस होके हो जाएगा 8x⁴y। अब हमें इसको 8x⁴y बनाना है, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं 8x³y राइट। तो ये हो जाएगा 8x⁴y, और ये यहाँ पे गिरेगा तो ये हो जाएगा
टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 8x³ वाई स्क्वायर। अब ये फिर से कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस साइन बिकॉज माइनस करते हैं है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10x³ वाई स्क्वायर राइट। अब इसको नीचे गिराना है हमें माइनस 3x² वाई क्यूब, तो अब इसमें ऐड क्या करेंगे 10x² वाई स्क्वायर है ना, तो इससे ये हो जाएगा 10x³। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ देखिए, माइनस वाई इधर करेंगे तो 10x² वाई क्यूब है ना। अब हमने इसको प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट और ये हो जाएगा हमारा 7x² वाई क्यूब। तो अब हम ऊपर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 7x² बिकॉज एक्स यहाँ पहले से है तो हमें एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ 7x² वाई क्यूब आ जाएगा राइट। और अब हम इसे ड्रॉप कर देते हैं, ये माइनस 5x⁴ और ये माइनस 7, हम सॉरी ये 5x⁴ नहीं है, 5xy⁴ है, 5xy⁴ माइनस 7xy⁴, तो ये फिर से कट गया, ये प्लस हो जाएगा तो यहां बच जाएगा कितना 2xy⁴ और ये ऊपर से 2 ड्रॉप हो रहा है तो माइनस 2y⁵। अब देखिए ये हमारा आंसर दिखने लगा है, अब यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए प्लस 2y⁴ तो उससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे राइट, ये दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो यू कैन सी P1 जो था हमारा वो इन दोनों का सम था, मैं इसको अलग से एक जगह लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस सी, तो आप देख सकते हैं P1 हमारा क्या था, P1 जो था वो हमारा था दिस टर्म राइट होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई राइट। और जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ये आ गया है ना, यही तो आया हमारा आंसर। तो अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि आई एम सॉरी, अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आंसर हमारा प्रेजेंट है इक्वेशन में राइट। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली मैच कर रहा है इसे, देखिए 3x⁴ 8x³ वाई राइट, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही आ रहा है। तो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।